दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर बैठे बैठे आप अपने बालों के लिए हेयर ग्रोथ सीरम कैसे बना सकते हैं। आजकल के बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसा हेयर सीरम बनाऊंगी जिससे आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। पहली चीज़ है प्याज का रस। प्याज में बहुत अधिक सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जब हमारे बालों में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे बालों की लंबाई बढ़ने रुक जाती है, इसीलिए प्याज का रस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई या फिर आलमंड ऑयल की कुछ बूंदें। इसके बाद हमें चाहिए अरंडी का तेल। अब इन चारों इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस हेयर सीरम को बनाने में। तो चलिए अब जानते हैं कि इस हेयर सीरम को बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच प्याज का रस लेना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, 1 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। अगर विटामिन ई के कैप्सूल नहीं हैं तो आप आलमंड ऑयल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, और सबसे लास्ट में 1/2 चम्मच अरंडी का तेल। अब इन सभी को मिलाकर एक अच्छा सा हेयर सीरम बना लेना है और उसे एक डब्बे में निकाल कर रख लेना है। अब इस ऑयल को रात में सोने से पहले अपने बालों में लगाकर मसाज करना है और फिर सुबह उठकर अपने बालों को धो लेना है। इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल डैमेज फ्री हो जाएंगे। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।